हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। ये देखिए मैक्स पिटोनिया के कैसे अच्छे से फ्लावर खिले हुए हैं। और ये दोपहर का टाइम है, इसी समय मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा सा प्लांट खिल गया है, बना है प्लांट, हेल्दी प्लांट है और इसमें हमेशा फ्लावर रोज़ अच्छे से खिल जाते हैं। और ये अलमंडा का प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अभी नए न्यू प्लांट है, इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, ऐसे ही रखा है पॉली बैग में। और इसमें फ्लावर बहुत अच्छे से आ रहे हैं, ये बेल वाला नहीं है। और ये मेरा गुलाब का है, इसमें अभी पत्तियां झड़ गई थी और इसको मैंने शिफ्ट किया था तभी ऐसा हो गया है। अब इसमें नए नए से लीव्स निकलने लगी हैं। और ये चाइनीज़ वाला गुड़हल, ये भी रोज़ बराबर खिलता है। और ये नाग चंपा का है प्लांट, और इधर मैंडविला का है वाइट वाला है। और इसमें अभी अच्छी कलियाँ निकल रही हैं, कल फ्लावर्स खिलेंगे बहुत अच्छे से। और ये नौबजिया वाला है, इसमें भी फ्लावर्स अच्छे खिले हुए हैं। और इधर लेंटाना का है प्लांट, और इधर विद्या का है। और मैं आपको अपनी कटिंग दिखाती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से कटिंग चल गई है, एक सप्ताह ही हुआ है अभी, और धीरे धीरे सब में रूट बनने लगी हैं देखिए। और यक्षमई का प्लांट है, और भी मैंने कटिंग लगाई है। ये देखिए ये लगाई, ये भी अच्छे से कटिंग चल गई है। ये कनेर है लाल वाला, और इसमें गुड़हल भी है और कनेर भी है। बहुत अच्छे प्लांट हो गई है, इस समय दो दिन अच्छे से बारिश हुई है तभी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। और इस ये कटिंग मैंने इसमें एलोवेरा जेल लगाया था तभी अच्छी सी इसकी कटिंग चली है। आप भी कटिंग लगाएं तो एलोवेरा जेल प्लांट से निकाल कर ज़रूर उसका यूज़ करें तो कटिंग अच्छे से चल जाती है। और ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया वाला, ये मैंने ये भी कटिंग से तैयार कर दिया है, ग्राउंड में लगा है, इसमें फ्लावर भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ये देखिए छोटा सा ही प्लांट है, और ये सदाबहार का है। और ये कॉस्मोस है, ये बीज से सारे ग्रो किए गए हैं, अपने आप ही जमे हैं और बरसात के टाइम बहुत हेल्दी प्लांट हो गए हैं। और ये रोज़ का है, दो दिन पहले ही खिला था। ये सदाबहार का है, और इधर अलमंडा वाइन गई है, अपराजिता वाइन भी है, और कुछ कनेर के प्लांट है, ये गोरी चोरी का प्लांट है। और इधर हाइब्रिड गुड़हल है, इसमें देखें कलियां आ गई है, कुछ थोड़े दिन के बाद आई है, टाइम लगा है इसमें, मैंने खाद डाल दी थी तभी आ गई है। और ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, ये देखिए इसमें भी कली आ गई है, इसमें धूप बहुत तेज़ है। और मैं आज आपको एक प्लांट नया मैं दिखाऊंगी, कैना लिली का, और इसमें फर्स्ट टाइम ब्लूमिंग हुई है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है। ये देखिए और बहुत अच्छी सा फ्लावर हुआ है, और ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। ये नीचे ही ज़मीन में ग्राउंड में लगा है, देखिए बहुत अच्छा सा प्लांट है। ये भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, और इसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी सी हो गई हैं, देखिए काफ़ी अच्छा है देखने में। और ये इसके फ्लावर भी बहुत अच्छे हैं, निकल रहे हैं। ये देखिए ये अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, ये कम केयर वाला है और इसको मैं खाद बहुत कम दी हूँ, वही सब्जी वाला खाद, सब्जियों के छिकल का खाद मैं ज़्यादा प्रयोग करती हूँ, और बीच में मिक्सचर खाद मैंने दी है इसमें। और
अच्छे से ग्रोथ हुआ है इसका। और इसकी पत्तियाँ इतनी बड़ी सी हैं, बहुत ही बड़ी पत्तियाँ हैं, देखने में बहुत ही सुंदर है ये प्लांट। और ये ऐसा आप ये दूसरा भी इधर लिली का, कैनन लिली का, इसमें भी फ्लावर नहीं आया, लेकिन ये वाला प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो गया है और इसमें फूल अच्छी है। और आप ये वाला ज़रूर प्लांट लगाइए अपने गार्डन में, फ्लावर वो ऐसे खिला रहेगा तो आपका गार्डन बहुत अच्छा लगेगा। इसके और भी इसका ये फ़ायदे हैं कि आपका गार्डन पत्तियों, ये ऐसी पत्तियां हैं जो आपके गार्डन को बहुत सुंदर बनाएगा, और साथ में ऐसा फूल भी निकलेगा तो आपके गार्डन बहुत अच्छा दिखेगा। और मैं समझती हूँ ये वाला प्लांट सभी गार्डनर्स को लगाना चाहिए, ये ज़्यादा इस पे मेहनत नहीं है और ना ही ज़्यादा देखभाल है और बहुत अच्छे से खिला हुआ है। अगर इसमें फूल बहुत देर में भी आता है तब भी इसकी पत्तियों से आपके गार्डन में शोभा बढ़ेगी। और ये वाला प्लांट आप ज़रूर लगाएं, और कम देख रेख वाला है और ज़्यादा इसकी केयर भी नहीं करनी है। ये छांव में ही लगा है नींबू के नीचे, ये देखिए प्लांट है, और इसलिए अब तब भी खिल गया, मैं सोचा इसमें फूल आएगा नहीं, लेकिन अच्छा ये प्लांट ग्रोथ हुई है तो इसमें फूल अच्छे से आ गया है। और ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं और अच्छे अच्छे फूल पाएं, और इसके पत्तियों से अपने गार्डन को सुंदर बनवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे अगर गलती है तो प्लीज़ कुछ कमेंट करिए, और उस वीडियो को मैं ज़रूर सुधारूंगी और आपको अच्छी सी जानकारी दूंगी जो आपके लिए प्लांट के लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी गार्डनर्स।